ओके नाजरीन, वो नाजरीन ऐसे ही कहते हैं। खैर मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, उनके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अली इकबाल और आप इस वक्त देख रहे हैं अली इकबाल ऑफिशियल्स। आज एक नए टॉपिक पे वीडियो, छोटी सी मे बी 4 से 5 मिनट की हो। दराज के ऊपर कुछ स्कैम्स होते हैं जो कि अनआइडेंटिफाइडेबल होते हैं। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ डेमो, लाइव डेमो, कि ये कैसे उसको कन्वर्ट होता है। बहुत सारे सेलर्स को फेल्ड डिलीवरी पार्सल्स मिलते हैं और वो खुदा ना खास्ता जब उसको खोलते हैं एंड दे फाउंड अ प्रोडक्ट जो उन्होंने भेजी नहीं होती, और उसके बाद वो सरप्राइज में आ जाते हैं। कुछ लोगों को तरीकाकार शायद पता हो, लज़ादा पोर्टल के ऊपर जाके वो उसकी वो एप्लीकेशन डालते हैं, एविडेंस देने होते हैं, वीडियो देनी होती है, देन आपकी जो क्लेमेबल मनी है वो वापस आती है। सो द पॉइंट इज, रिसेंटली आई हैड अ फ्रॉड, और किसी ने मेरे साथ फ्रॉड किया, और अब मैं उसको कल रात मैंने उस पर काफ़ी सोचा, एंड आफ्टर स्टेप बाय स्टेप के एक राइडर ने क्या किया होगा या एक कस्टमर ने क्या किया होगा कि ये मेरे पास जो पार्सल वापस आया है उसके से अंदर से अडॉप्टर निकला है। आपको राइट साइड पर मैं जो मुझे चीज़ें मिली जिस तरह से, आपको पिक्चर्स यहाँ पे राइट साइड पे चलती रहेंगी, उस डिफरेंट मैंने जो एविडेंस लिए थे जब मैंने उसको काटा था। तो आपको यहाँ पे लाइव डेमो दूंगा मैं इस चीज़ का। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फेल्ड डिलीवरी पार्सल के अंदर जब आपको कोई और आइटम मिलती है। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फ्रेम। ऑलराइट जी, वेलकम अगेन इन द नेक्स्ट फ्रेम। ये एक पार्सल है जो मैंने भेजा था किसी साहब को, रहीम यार खान का। तो जब ये पार्सल फेल डिलीवरी का मुझे आया, पहले तो ये काफ़ी दिन उसके अंदर लगा रहा कि जी ये अभी वहाँ पहुँचा नहीं है। तो फिर मैंने जब उस कस्टमर से रابطہ किया कि भाई आपने पार्सल रिसीव नहीं किया, उसने कहा मैंने तो पार्सल रिसीव कर दिया है। तो आपको मैं राइट साइड पे पिक्चर दिखाऊंगा अभी, जिसके अंदर उन्होंने एक्चुअली वो पार्सल रिसीव करके आइटम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब राइडर ने क्या किया है, आपके फ्लेयर को उसने यहाँ से काटा है। ये मैं एक फ्लेयर ज़ाया कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। उसने इसके अंदर से शिपिंग मार्क निकाला, शिपिंग मार्क निकाल के उसने किया फोटोकॉपी। अब जब ये फोटोकॉपी उसने किया तो आप ये देख सकते हैं कि हम यूजुअली एक के ऊपर 4 लगा के भेजते हैं, उसने ये एक फोटोकॉपी किया। फोटोकॉपी करने के बाद उसने जो चीज़ फेल्ड डिलीवरी में डालनी है, यानी कि बर्न्ड आइटम, वो उसने इधर डाल दी, लेट्स सपोज, और इसको बंद करके और इसके ऊपर मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ रिफ्यूज्ड करके भेज दिया। ठीक है जी, इसको यहाँ से उसने बंद किया, ये इसको यहाँ से टेप लगाई, उसने मेरे वाला ही रिफ्यूज लिख के भेज दिया। और इसके अंदर क्या आइटम मुझे रिसीव हुई थी, वो ये आइटम थी, बर्न्ड अडॉप्टर और इसके साथ ये इसका वो पॉली बैग है जो कि आप देख सकते हैं एविडेंस के साथ रिफ्यूज्ड, और ये पॉकेट के अंदर वो पेपर भी उसका चिपका हुआ है अभी तक, और इसके अंदर मुझे ये मिला। खैर एनीवेज, इन चीज़ों का हम रखते हैं साइड पे। तो उसने कस्टमर को देने के बाद उससे पैसे कैसे लिए, अब चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उसने कस्टमर को कैसे अब ये दिया। अब लेट्स सपोज उसके पास भी अपने फ्लेयर एक्स्ट्रा पड़े, वो इस फ्लेयर को काटता है, उसने एक्चुअली 2 फ्लेयर यूज़ किए हैं, मेरे वाले फ्लेयर को उसने ज़ाया किया, इसमें से प्रोडक्ट निकाली और इसके अंदर डाल दिया और इसको कर दिया बंद। तो यानी कि अब एक ओरिजिनल प्रोडक्ट हो गई और एक पैक हो गया जिसके अंदर फोटोकॉपी लेबल डला हुआ है और चार्जर है, यानी कि एक ये हो गया, इसके अंदर फोटोकॉपी लेबल और वो बर्न्ड चार्जर डाला उसने। ऑलराइट, तो वो भाई जनाब राइडर जो हैं वो बड़े तेज दिमाग के शातिर आदमी हैं, वो जाते हैं कस्टमर के पास, उसको कहते हैं कि आपने सर 2 दफा ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर दिया, आपके डबल ऑर्डर है, आपको दोनों चाहिए कि एक चाहिए।
कस्टमर आगे से कहते हैं जी मैंने तो मुझे तो एक चाहिए, कहता ओके सर आप एक ले लें, वो एक्चुअल प्रोडक्ट वाला आइटम जिसके अंदर आपने भेजी होती है उसको देता है, उससे पैसे भी वसूल करता है और जो उसने पैरेलल डुप्लीकेट पार्सल तैयार किया है उसके ऊपर रिफ्यूज लिखता है और द्रास के हब में जाके जमा करवा देता है और पैसे उसकी जेब में। सो दिस इज ईच एंड एवरी स्टेप एक्सप्लेन्ड कि राइडर्स जो हैं वो किस तरह आपकी आइटम को बीच में से चोरी करते हैं। सो मेरी दराज वालों से रिक्वेस्ट है कि अगर वो भी ये वीडियो देख रहे हों, इंडिया में इसी किस्म के स्कैम्स थे, सो दे हैव एंटर्ड अ वर्टिकल कंटिन्यूस लाइन, जिस तरह फ्लैग के ऊपर होती है, जिस तरह की मैंने शर्ट पहनी है, इस तरह की कंटिन्यूस स्ट्राइप्स थी उसके ऊपर। तो जब एज ए सेलर हम इसको बंद करते हैं वो तो टेम्पर्ड नज़र नहीं आती कि ये पैकेट ओरिजिनल है, उसके साइडों पे सेंटीमीटर्स और हर चीज़ प्रिंटेड होती है जो सेलर को वो मेंटेन करनी होती है ड्यूरिंग पैकिंग। तो आपको इसके जो फ्लेयर्स के कंप्लाइंसेज हैं वो काफ़ी एड अप करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये जो सेलर्स हैं उन बेचारों को चूना लगता रहेगा। और मुझे तो पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एविडेंस स्ट्रॉन्ग हैं, आपने देखे भी हैं वीडियो में, तो वो डिबेट हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। अल्लाह हाफिज़।